लोग का स्वागत है आज के नए इंट्रोड्यूशन के अंदर। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग ना बहुत ही ज्यादा अच्छे एंड बड़े हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका भाई आपसे को बताने वाला है कि अपनी गेम के अंदर जो नेक्स्ट इवो बंडल रिटर्न आने वाला है ना, तो कौन सा आने वाला है एंड वो कब है, क्या वो अपना कोरा बंडल रिटर्न आने वाला है या फिर दोस्तों हमारा कोई और सा बंडल रिटर्न आने वाला है, तो सब कुछ आपको एकदम डिटेल के साथ इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो बस गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करें। अगर आपने ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो छोटा सा लाइक में 50 लाइक एंड तभी लाइक उसे कर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जो से कर, आपको डेली ऐसे कंटेंट ऐसे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जो से कर देना, और भैया यार वीडियो को लाइक जो से कर देना, इससे आपको डेली ऐसे कंटेंट ऐसे मिलते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जो से कर देना। हम लोग करते वीडियो को, तो इससे पहले कमेंट हमारे भाई करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई अपनी गेम के अंदर अपन सबको जो यहाँ पे लेजेंडरी स्किन्स है ना, अपन सबको भैया वो कब तक रिटर्न देखने मिलेगी, कोई सी भी स्किन रिटर्न आ जाए बस। फ्री फायर के अंदर आपको बहुत सारे लेजेंडरी स्किन्स मिल जाएगी, AK-47 की, हमारे स्कार की, M4A1 की, UMP की, MP40 की, बहुत सारे आपको मिलेगी ठीक है। बट ये जो स्किन है वो अपनी स्टोर में से अभी हाल फिलहाल तो रिमूव कर दी गई है। बात ऐसी कि भाई पूछते हैं कि कोई सी भी स्किन रिटर्न आएगी क्या, तो देखो बात ऐसी कि भाई मैं आपको बता दूं, अपनी जितनी भी यहाँ पे फ्री फायर की लेजेंडरी स्किन्स है ना, अपन सबको रिटर्न देखने मिलने वाले। जैसे कि भाई दोस्तों हमारे यहाँ पे कोई ना कोई वे इवेंट आएगा, जैसे विश इवेंट आएगा, लाइक जैसे हमारे यहाँ पर अभी ना 7th एनिवर्सरी विश इवेंट आ सकता है या फिर हमारे दिवाली स्पेशल विश इवेंट आ सकता है, तो उसी के अंदर आप सभी को यहाँ पे बोनस रिवॉर्ड के तौर पे ना हमारे यहाँ पे जो लेजेंडरी स्किन्स है ना वो गई ना आपको प्रोवाइड करा दे। तो इवेंट का वेट करो, उसके बाद ही आपको ना उसके अंदर ही हमारे यहाँ पे जो लेजेंडरी स्किन्स है वो देखने को मिले। एंड अगला कमेंट हमारे भाई का देखने को मिलता है, जो भाई पूछते हैं कि अपने यहाँ पे जो M8-7 की स्किन कब आएगी। अब देखो भाई ने कौन से M8-7 रिटर्न आएगी इसका यहाँ पे जो मेंशन नहीं किया, भाई यहाँ पर ट्रॉपिकल पैरेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो ट्रॉपिकल पैरेट अपन सबको आने वाले भाई यहाँ पे कुछ मंथ्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। अभी जैसे कि आपको ट्रॉपिकल पैरेट है दोस्तों, पॉसिबल है कि दिवाली इवेंट के अंदर या फिर अपने आप पे जो 7th एनिवर्सरी का पार्ट भी आएगा ना उसके अंदर रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखो अगले भाई कम के बोलते हैं कि भाई अपने गेम के अंदर जो गोल्डन शेड है ना अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो भाई यहाँ पर पहले अपना ओल्ड वाला मतलब कि न्यू वाला गोल्डन शेड तो आ गया, अपना ओल्ड वाला गोल्डन शेड कब आएगा इसके लिए बहुत सारे भाई मुझसे कमेंट करके डेली पूछते हैं। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है दोस्तों कि भाई आपको ना यूट्यूब पे ऐसे रिटी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि भाई गोल्डन शेड दिवाली को आएगा, गोल्डन शेड न्यू ईयर पे आएगा, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन भाई जो सच है मैं आपको वो बताऊं, जो ओल्ड वाला गोल्डन शेड बंडल ना दोस्तों ये अपना रिटर्न आएगा, इससे रिटी यहाँ पे कोई भी अपडेट गई ना या फिर डाटा मैजर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों साफ क्लियर बात है कि अभी के टाइम पे आपको गोल्डन शेड तो देखने को नहीं मिलने वाला है, ना ही न्यूयॉर्क पे देखने को मिलने वाला, ना ही दिसंबर मंथ में, ना ही किसी इवेंट में ठीक है। तो अभी के टाइम पे दोस्तों हमारा जो ओल्ड गोल्डन शेड का इवेंट है, आप लोग और जो भाई लोग आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई गोल्डन शेड आएगा दिवाली के टाइम पे, तो प्लीज उनकी बात है भैया यहाँ पे ध्यान मत। अगले भैया पे कौन के बोलते हैं कि भाई दिवाली के टाइम पे जो किल चोरी जो सॉन्ग है उससे रिलेटिव यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलेगा क्या या फिर ऐसा कोई इवेंट वगैरह आएगा क्या। तो देखो भाई बात ऐसे कि यहाँ पे अपना जो दिवाली के टाइम पे ना अपन सबको यहाँ पे किल चोरी सॉन्ग वगैरह अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ्री फायर ऑलरेडी बैन हो चुका है, बट अपना फ्री फायर मैक्स चल रहा है ठीक है। तो ये जो सॉन्ग वगैरह डिजाइन किए गए ना ये हमारे यहाँ पे फ्री फायर के थे, तो अब आपको शायद ही ऐसा कोई पॉसिबल इवेंट देखने को मिले। बट हाँ मेरे भाई यहाँ पर दिवाली पे ना आपको स्पेशल इवेंट देखने को मिल सकता, क्योंकि दोस्तों गई ना हमारे हमेशा ना यहाँ पर दिवाली पे कुछ ना कुछ स्पेशल करती है दोस्तों, तो आप सभी को इस बार भी हमारे यहाँ पर दिवाली पे कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा, बट सॉन्ग वगैरह देखने को मिलेगा तो मैं आपको ये कन्फर्म तो नहीं बता सकता हूँ। एंड अगले पे उनके बोलते हैं कि भाई अपनी गेम के अंदर कोबरा MP40 की स्किन कब आएगा। देखो बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि कोबरा MP40 कब आएगी। तो देखो मैं आप सभी को बता दूं कि कोबरा MP40 की स्किन अपकमिंग यहाँ पर अपने ईवो वर्ल्ड्स रिंग इवेंट के अंदर आ जाए। यहाँ पर अपना सितंबर मंथ का ईवो वर्ल्ड का रिंग इवेंट आने वाला है, अपने यहाँ पे अक्टूबर मंथ का ईवो वर्ल्ड का रिंग इवेंट आने वाला है, तो उसी के अंदर आपको हमारे यहाँ पे जो कोबरा MP40 की स्किन है पॉसिबल है कि देखने को मिल सके। देखो अगर आप लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके ना इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगले भाई कम के पूछते हैं कि भाई अपने गेम के अंदर कोबरा बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिलने वाला है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं पूरी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जो से वॉच कर लेना। एंड देखो भाई अगले भाई कम के पूछते हैं कि भाई पर्पल शेड अपन सबको कब तक रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो देखो बात ऐसी कि अपने यहाँ पे जो पर्पल शेड है दोस्तों 2023 के दिसंबर मंथ के एंड में अपन सबको रिटर्न देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल इशू के कारण और इवेंट्स पेंडिंग होने के कारण गाइस ने इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया ठीक है। अभी
अपनी इंडिया सर्वे वापस अपन सबको देखने मिलने वाला है, लेकिन मेरे यहाँ पे विंटर इवेंट के अंदर। और जो विंटर इवेंट है ना हमारे यहाँ पे दिवाली इवेंट के बाद स्टार्ट होगा, तो मतलब आपको भैया दिवाली इवेंट तक का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी को हमारे यहाँ पर जो पर्पल शीट बंडल है ना वो रिटर्न देखने को मिले। एंड अगले भैया यहाँ पे कम के बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे जो कोबरा में 40 की स्किन है उससे हेड शॉट नहीं लगते हैं, लेवल 6 की अच्छी नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि अपने यहाँ पे जो कोरोस्मानी भी 40 है वो MP40 2.0 ना वो कब तक रिटर्न आएगी। बात करें कोरोस्मानी भी 40 के बारे में, तो भाई यहाँ पे जो कोरोस्मानी भी 40 ऑलरेडी अपनी गेम के अंदर यहाँ पे 2 महीने टोटल रुक के गई है। अभी आई थिंक फरवरी या फिर मार्च मंथ के अंदर ही रिटर्न आई थी, तो अभी के टाइम पे आपको कोरोस्मानी भी 40 दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले जनवरी मंथ के अंदर या फिर फरवरी मंथ के अंदर आपको यहाँ पे कोरोस्मानी भी 40 का रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। आप लोग ये बोलो कि इस साल के अंदर आपको हमारे यहाँ पे जो कोरोस्मानी भी 40 की स्किन रिटर्न देखने को मिलेगी, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपके भाई हेडशॉट वगैरह नहीं लगते हैं तो आप अपने डिवाइस को एक बार चेक करो, उसकी रैम रोम चेक करो, उसके बाद यूट्यूब पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं सेंसिटिविटी की, बेस्ट सेंसिटिविटी की, तो आप है ना उनको वॉच करके ट्राई करो और आपका 100% हेडशॉट वगैरह लग जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स। अगर आपका भी ऐसे कोई क्वेश्चन कमेंट रह जाता है तो प्लीज अकाउंट से पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो आपको उसका 100% रिप्लाई मिल जाएगा। अभी देखो भाई बात करें इवो स्कार 2.0 इवेंट के बारे में, तो भैया आपको पता है इवो स्कार रेडी हो चुके 2.0 वाली, बट अभी तक नहीं आए। तो देखो बात ऐसी कि भाई मैं आपको बता दूं, इवो स्कार 2.0 अभी तक रेडी नहीं है, मतलब इसका यहाँ पे जो लुकिंग वगैरह है, एनिमेशन है, एंड हमारे यहाँ पे जो इसकी किलिंग इफेक्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका। मेन चीज की रेडी नहीं है वो है हमारे यहाँ पे साउंड। तो मतलब भाई किल नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं ना, तो वो आपका यहाँ पे जो साउंड है ना वो रेडी नहीं हुआ है, इसकी वजह से अपन को अपनी गेम के अंदर ये वाला जो इवेंट है नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी आपको ना यहाँ पर इससे रिलेटिव यहाँ पर बहुत जल्द जो इवेंट है वो देखने मिलने वाला, मतलब इसका साउंड जैसे रेडी होगा ना तो अपन सबको ये ईवो वर्ल्ड के रिंग इवेंट के देखने को मिलेगी। बट भाई यहाँ पे ना इसके ये डेथ वॉक्स देख पा रहे हो, ये सरबोट देख पा रहे हो, एंड दोस्तों ये हमारा लेवल 7 वाला जो इमोट आप लोग देख पा रहे हो ना, तो ये सब के सब हमको यहाँ पर इसी इवेंट के अंदर देखने मिलने वाले हैं। तो बस थोड़े दिन तक वेट करो, आपको ईवो स्कार बहुत जल्द अपनी गेम के अंदर देखने मिलेगी। एंड खंचर वगैरह ना ये सब कुछ हमारे यहाँ पे ईवो स्कार के जो इवेंट है उसी से कॉलेबेट के रिलेटिव है, तो ईवो स्कार 2.0 अपनी गेम के अंदर आएगा ना तभी के टाइम को ये सभी रिवॉर्ड्स अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो एक अपनी गेम के अंदर सबसे बड़ा कॉलेब्रेशन अभी तक का होने वाला है, बहुत सारे जिसके फैन है वो है हमारे यहाँ पे नरूटो भैया। तो नरूटो भैया के साथ गई ना अपने यहाँ पे कॉलेब्रेशन करने वाली, जैसे कि आपको पता है कि हमेशा फ्री फायर की जब भी कोई स्पेशल एनिवर्सरी आती ना तो वो हमेशा कॉलेब्रेशन करते, जैसे अपने 6th एनिवर्सरी पे जस्टिन बीबर के साथ किया था, 5th पे अपने लाइट डीजे के साथ डीजे आलोक के साथ किया था, तो वैसे 7th पे ना सभी का चैता फ्री फायर एक्स नरूटो के साथ कॉलेब्रेशन अब होगा, ठीक है। तो नरूटो भैया अपने गेम के अंदर आएंगे, उसी के अंदर ना आप सभी को यहाँ पर ही जो भैया मेडिटेशन वाली इमोट है ना, ये फ्लाइंग वाली जिसके अंदर ये उड़ के मेडिटेशन कर रहा है, तो ये इमोट आपको देखने को मिलेगी। अब भैया यहाँ पर ही हमारे किस इवेंट के अंदर आएगी, फ्री मिलेगी या फिर पैसों में देखने मिलेगी या फिर डायमंड देखने मिलेगी, तो इतना तो अभी कन्फर्म है आपको नहीं पता। अभी इतना तो कन्फर्म है कि आप सभी को ना हमारे यहाँ पे ये वाली जो इमोट है उसी के अंदर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अभी इतना ही नहीं, एक और अपडेट जान भैया, आप लोग सभी लोग रेडी हो जाए एक न्यू यहाँ पर गिवे के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो फ्री फायर है ना यहाँ पर एक न्यू शेड्यूल पोस्ट किया है, जो कि 2 दिन के अंदर वो लाइव आने वाले है, लाइव यहाँ पर गेम प्ले के मतलब कि भाई यहाँ पे ई स्पोर्ट्स वापस से होगा, ठीक है। तो ये फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर की एक यहाँ पर नॉर्मल सी चैंपियनशिप है, तो ये अपने 2 दिन के बाद होने वाले, तो पॉसिबल है कि इसके अंदर अपन सबको कोई रिवॉर्ड्स देखने को। दोस्तों ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स है ना, आपका भी ऐसे कोई क्वेश्चन कमेंट रह जाता है तो प्लीज अकाउंट से पूछ लेना, नेक्स्ट पर रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करका है तो छोटा सा लाइक है, 50 लाइक है तो इसे लाइक जैसे कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जैसे कर देना, जिससे आपको डेली ऐसे कंटेंट इससे मिलते रहेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको जो 100% कन्फर्म है नेक्स्ट ईवो बंडल देखने मिलने वाला वो होने वाला हमारे ऐप पे यहाँ पर स्कॉर्पियन बंडल। अब देखो भाई क्रिम्सन बंडल के लिए भाई बहुत सारे भाई लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली उनका वेट खत्म होता है, तो अपने गेम के अंदर ये वाला जो भैया बंडल है अपन सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इसका जो इवेंट है पूरे टोटल 14 दिन चलने वाला है, भैया अपनी गेम के अंदर मॉर्निंग में 4 बजे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, फिर भी आप लोग मेरे यहाँ पे 2,000 से लेकर 3,000 डायमंड रखो, तभी जाके भैया पॉसिबल है आपको यहाँ पे ये वाला जो बंडल है वो देखने को मिल पाएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारा पे नेक्स्ट ईवो बंडल। अभी बात करें कि कोबरा बंडल अपन सबको कब तक देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ बहुत सारे भाई लोग कोबरा बंडल का वेट कर रहे हैं हमारे क्रिम्सन बंडल से ज्यादा। तो देखो यहाँ पर जो जो कोबरा बंडल का फैन है, जो जो कोबरा बंडल रिटर्न चाहता है, यहाँ पे काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। देखो गैन ने यह बात फिक्स कर दी है कि आपको ना हमारे कोबरा बंडल से पहले क्रिम्सन बंडल यानी जो हमारे स्कॉर्पियन बंडल है वो रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड स्कॉर्पियन बंडल का जो इवेंट है ना वो लेट पे लेट होता जा रहा है, ठीक है। तो जितना लेट अपने गेम के अंदर स्कॉर्पियन बंडल का इवेंट अपने गेम के अंदर आएगा ना उतना ही लेट
मिनट अपन सबको कोबरा बंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें ने बात फिक्स कर दिया है। पहले हमारे यहाँ पे स्कॉर्पियो मंडल ट्रेन आएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोबरा बंडल ट्रेन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बैलों से निराश होंगे, बट भैया यहाँ पे जब तक गैना की मर्जी नहीं होगी तब तक कोई भी ट्रेन नहीं। अगर मैं आपको पॉसिबिलिटी दूं ना तो दोस्तों ये मान के चलो कि दिवाली इवेंट या फिर दिवाली इवेंट तक का बाद तक का वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ पे पहले स्कॉर्पियो मंडल ट्रेन आएगा, उसके बाद स्कॉर्पियो मंडल खत्म होगा, उसकी एक महीने का तो कम से कम गैना वेट करेगी, उसके बाद ही अपने गेम के अंदर अपन सबको यहाँ पे कोबरा बंडल ट्रेन देगी, ठीक है। तो जो जो भाई इसको निकालना चाहता है उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज अकाउंट से पूछ लेना, उस करने पर से रिप्लाई मिल जाएगा। एंड मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के चलो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वीडियो लाइक जैसे कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जैसे कर देना, जिससे आपको डेली ऐसे कंटेंट इसलिए मिलते रहेंगे। सो मिलते होकर इसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।